टू विधायक, अब किसी से, अभी गंगा देवी जी मेरे पास बैठी थी, मेरे यहाँ से जयपुर से तो एमएलए मेरी खास है बड़ी बहन, पता नहीं उनका कोई वीडियो डाल रहा है, अकेले में जाके दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई भी पक्ष पार्टी नहीं बनना चाहिए, और कोई बात तो बताइए प्रताप जी। अभी आप लोग एक बात तो मान के बैठे हैं कि 102 में से आप किसी को भी बना, रेवोल्यूशन के टाइम पे भी आपने यही वाला एक बैरियर लगाया, ठीक है। अब आप ही के अपोनेंट हैं, चाहे राजे को बुरा हो या तमाम लोग हो, वो ये कह रहे हैं कि आज आप 102 की बात करते हैं, हेमाराम चौधरी, ब्रजेंद्र ओला और उसके अलावा आपके रमेश मीणा, ये वो लोग थे जो मानेसर गए थे और जिन्होंने सरकार को टॉपल करने की कोशिश की, आपने उनको तो मंत्री बनने। आपने बहुत अच्छी बात कही मनीष जी, ये सही बात है। 5 लोग मिनिस्टर बने, उस वक्त लोगों का रिएक्शन हुआ, अशोक गहलोत जी के सामने लोग इकट्ठे हुए, आज अंदर की बात बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी नाराजगी व्यक्त की। अशोक गहलोत जी ने कहा तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम्हारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। और ये बात सब अशोक गहलोत जी, तभी तो अशोक गहलोत जी को उस दिन मिलना चाहते थे कि अभिभावक कहाँ है। अभिभावक ने कहा था कि आप चिंता मत करो, हाईकमान से मैं बात करूंगा, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ। तो कल मैं सीएम साहब से मिलने गया था, मैंने कहा साहब वो अभिभावक को ढूंढ रहे हैं, सारे सारे बोले यार नवरात्रों के बाद जब आएंगे सबसे एक साथ मिल लेंगे और बैठ कर बात करेंगे, मेरा परिवार है। और ये बातें देखिए, आप इस बात को तो मानते हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, अब व्यक्तिगत मैं मेरी विचार दे रहा हूँ, कहीं पर भी चुनाव से फैसला होता है, जब वोटिंग होती है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है। हम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं। आप मुझे ये बताइए, वोटों की गिनती से एमएलए का फैसला होता है, वोटों की गिनती से एमपी का, और वोटों की गिनती से ही राय मशवरे से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का फैसला होता है। ये बात आपने अच्छी कही है, नो डाउट, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसमें हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो अफवाह फैली और जो मीडिया ने धर्म का काम किया और जिस तरह से आपने खबरें चलाई और जो मैनेजमेंट नजर आने लगा, वाह वाह, तो फिर सारे एमएलए में ये हो गया कि फैसला हो गया और एमएलए मुख्यमंत्री निवास पर इकट्ठे होने की बजाय धारीवाल जी के यहाँ जाकर खड़े हो गए। धारीवाल जी जैसे अभी बोलते हैं ना, वैसे ही तब रोज भाषण देते थे, आर चिंता मत करो बीजेपी से हार की पार हो जाएगी, तो मैं एमएलए के लिए मैं अकेला मैं लड़ूंगा, और वो लड़ते भी हैं विधानसभा में। तो ऐसे में यदि धारीवाल जी के घर पे जाके इकट्ठे हो गए तो धारीवाल जी उनको धक्का देके चले जाएंगे, वहां से पकड़ लिया उनको। देखिए अब सब तरह की बातें आती है और कोई भी इस तरह की बात कहे तो तथ्यों के साथ उनको सामने आना चाहिए, और कोई बताइए। राजेंद्र यादव मंत्री हैं, इनकम टैक्स ने 10 दिन तक रेड की है, आप भाई साहब दिल्ली से आए, मैं आपको जानता हूं, सुबह से आपको इंटरव्यू दे रहा हूं लगातार, और राजेंद्र यादव, मैं ईडी की कार्रवाई भुगत चुका हूं, ये सब जयपुर के लोकल लोग जानते, मेरी बात तो सुन लो। अरे बीजेपी सरकार गिराने की पहले भी कोशिश कर चुकी है, काम ही एक चल रहा है, बीजेपी तो देश में एक ही काम कर रही है, ना रोटी देंगे बीजेपी वाले, ना रोजगार देंगे, ना महंगाई कम करेंगे, ना राहुल गांधी की आवाज सुनेंगे, ना कांग्रेस की, वो तो सरकारें गिराएंगे और कहेंगे ऐसे ही चलती है सरकार, अभी 8 ले गए, तोड़ ले गया ना 8 का 8, गोवा में साफ, महाराष्ट्र में साफ, अब नींद चादर ओढ़ सो जावा कहीं, आओ बीजेपी वाला माने मारो तो भाई साहब, वैसे तो नहीं मारेंगे, लोकतंत्र के हिसाब से मरेंगे क्या? बीजेपी वाले बड़े धार्मिक हैं, गोवा में धर्म का काम कर गए, ठाकरे फैमिली, बाल ठाकरे साहब जिनके कंधों पे चढ़ के बीजेपी ने सत्ता प्राप्त की महाराष्ट्र में, उनके बेटे उद्धव ठाकरे को निपटा दिया, चलो शिवसेना तोड़ दी, तो बीजेपी बीजेपी है। आपने आप कर चुकी सवाल, प्लीज मैडम। हाँ एक बात मुझे, आपने अच्छा सवाल किया है, जॉय सर ने अच्छा सवाल किया है, अशोक गहलोत जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चला, हमें भी खुशी हुई, गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, तो टीवी पे हम भी देख रहे थे, हमें कौन सा वहां कोई बुला के ये कह रहा है कि आप, मैं यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर जरूर हूँ लेकिन दिल्ली में मुझे, अब मैं पता आजकल मैंने ये तय किया है, बीजेपी हो या कांग्रेस, राजनीति में दिल्ली में भी पकड़ होनी चाहिए,
दिल्ली में तो मैं तो बहुत कमजोर हूँ। अब मैं आप लोगों से जो दिल्ली के पत्रकारों से दोस्ती करूंगा, आप जितने आए हो मेरा ध्यान रखना दिल्ली में, अलग से मिलूंगा आप। और आप लोग नाराज मत हो ना, मैं ऐसे बोल लेता हूँ, ये तो क्या आदत पड़ गई, तो मेरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं यहाँ वाले। मैडम प्लीज एक मिनट मेरी सुन, एक मिनट प्लीज मैडम, अरे मैं जवाब तो दे दूं, देवी सुन लो मैडम। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा कि मैं जिंदगी भर यहाँ घिसता रहा सड़कों पर दहेंगा सी। ये देखो हाथ कट गए, ये हाथ नहीं जुड़ता, ये देखो ये आंदोलन की देन है, छात्र आंदोलन की। मेरे बड़े फादर 3 बार CM रहे राजस्थान के, फिर भी मैं कभी रिक्शे वाले के साथ लड़ा, कभी टांगे वाले के साथ, कभी स्टूडेंट के लिए, कभी राजस्थान बंद कराया, कभी जयपुर में जनता कर्फ्यू लगाया। दिल्ली के पत्रकार आते हैं मेरे से किसी से बारे में पूछते हैं, लोकल ने पूछ काका खून बहा दिया, हाथ कटवा लिए, राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में लड़ा, हर कोने में लड़ा, हर ढाणी में लड़ा। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट का टिकट दिया, कांग्रेस में सम्मान दिया आया, तब कहा जब बीजेपी ने विद्रोह किया, तब मैंने क्या कहा, तब मैंने कहा प्रताप सिंह खाचरियावास पंजे के साथ है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के साथ है, किसी के साथ नहीं, तब मैंने ये कहा था। और वो कैंप तब वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी और रणदीप सुरजेवाला जी ने फेयरमाउंट होटल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आयोजित किया। तो वो जो कैंप था वो तो उन्हीं का था, पंजे के साथ खड़ा होना गुनाह है, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ना गुनाह है। अशोक गहलोत जो सोनिया गांधी जी के प्रतिनिधि हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके नेतृत्व में लड़ना गुनाह है। हम सब MLA उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे थे 34 दिन तक, आज भी संख्या उनकी ज्यादा है। और लोकतंत्र में सच बोलना गुनाह नहीं है, परिवार में अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र है, और जो मौके पर चुप रहे उसको चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का अधिकार नहीं है। अपने घर में बोलना हो, घर के बाहर बोलना हो, सरकार के खिलाफ बोलना हो, बोलना चाहिए। इसलिए आज हम बोल रहे हैं और सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, नेतृत्व हमारा है, सोनिया गांधी जी हम सब की माँ के समान है, राहुल गांधी जी की उम्र के ही हम लोग हैं। मुझे भरोसा है वो न्याय करेगी, और न्याय ऐसा होगा जो हिंदुस्तान में मिसाल बनेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और देश कहेगा कांग्रेस में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में संख्या के आधार पर, लॉयलिस्ट के आधार पर कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने फैसला किया। एक बात आप ध्यान रखना, ना तो हम ये कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मत बनाओ, अरे मारी सुन तो लियो सचिन जी, सुनिया तो करो यार, दिक्कत नयो काम चालू हो गयो, पूरी देश की मीडिया का डाटा है, कोनी मकड़ा भी दिख रहा है, नया भी दिख रहा है। नहीं नहीं आप यार, मनीष जी आप मेरे जूनियर रहे हो, यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलते थे आप, यार राजस्थान यूनिवर्सिटी की टीम में खेलते थे, छक्के चौके मारते थे, पत्रकार बन गया। अब मैं आप मेरे जूनियर, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने मुझे खुशी होगी, मुख्यमंत्री वो रहे मुझे खुशी होगी, क्योंकि हम राजनीति में अशोक गहलोत जी के सामने बच्चे हैं, अशोक गहलोत जी से राजनीति सीखते हैं, वो लगते बहुत विनम्र भले आदमी है, पतला दुबला आदमी, धीरे धीरे चलता है, हंसते हैं करते हैं, लेकिन राजनीति की जादूगरी अशोक गहलोत जी से सीखनी चाहिए, कैसे लोगों को ऐसे धीरे से देते हैं योजना, आज से दवाई फ्री, जांच फ्री, बढ़िया बढ़िया शहरी रोजगार गारंटी कानून सोनिया गांधी जी के रास्ते पर चलकर उन्होंने गांवों में लगाया, पहला मुख्यमंत्री जिसने शहरों में लगा दिया, जो भी अप्लाई करेगा रोजगार की गारंटी। अरे भूखे को रोटी चाहिए, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, जब कोरोना आया तब इन्होंने ही कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली हो जाए। हमने काम में कमी नहीं रखी, हमें तो लगता है कि राजनीति में सिर्फ संघर्ष सच्चाई आंदोलन नहीं है, मैनेजमेंट भी है। अब मैंने भी तय किया है, दिल्ली हमारे नेताओं के पास मैं जाता रहूंगा, मिलता रहूंगा, और दिल्ली के पत्रकारों से जरूर मिलूंगा, मीडिया से। क्या लगाया धारीवाल साहब ने, धारीवाल जी 80 से ज्यादा उनकी उम्र हो गई, और यदि वो कोई बात कहते हैं तो उस बात के ऊपर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, वो शांति धारीवाल जी हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए, यदि उन्होंने बात उठाई है तो उसका जवाब वो ही देंगे। हाँ ध्वज जी बताओ आप।
बताए ये बात भी आपने अच्छी कही दोस्त जी, क्या इस्तीफा आखिरी रास्ता हो गई? अचानक हुआ ना खेल, आदमी को जब अचानक कोई हमला हो जाए मेरे ऊपर तो मेरे में मैं क्या करूंगा, मैं मेरी स्टाइल बता रहा हूं। मैं मानता हूं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो मैं क्या करूंगा, भागूंगा नहीं। मैं जानता हूं भागूंगा तो मुझे पकड़ के जान से मार देंगे, तसल्ली से मारे। अरे इसको बांध प्रताप सिंह, मेरा क्षत्रिय हूं, कछावा वंश का क्षत्रिय हूं, भगवान राम का वंशज मानते हैं हम अपने आप को, और हम हैं ऐसे दस्तावेज हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं, कछावा वंश के क्षत्रिय हैं। और आज आपसे कह रहा हूं, मुझे कोई मारेगा चाहे हजार हो तो मैं लड़ूंगा, मेरा नेचर है, चाहे मैं नेता हूं मैं लड़ूंगा। अरे यार तो मर के ऐसे लड़के मर। अब अचानक बेचा इतने MLA के, राजस्थान की धरती तो वीरों की धरती है, और वीरों की धरती पे MLA 50,000 से ज्यादा इकट्ठे होकर रैली में गए थे, यही MLA भीड़ लेके गए थे दिल्ली, यही MLA लड़ते और मरते हैं। यदि उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया तो अपने परिवार में, अपनी माँ के सामने, अपने नेता के सामने दिया है तो वो बुला के पुचकार लो। प्रभारी आए थे 4 दिन रुक जाते, उनको वापस बुला लेते, मीटिंग कर लेते, एक एक से कर लेते, दो से कर लेते, भीड़ में कर लेते, है तो परिवार का मामला। गलत कह रहा हूं क्या? हम जब झुकने को तैयार तो परिवार में तो एक दूसरे की सुनी जाती है, तभी परिवार मजबूत होता है। प्रताप जी, क्या इस मसले को क्या थोड़ा जल्दीबाजी में और गलती से हैंडल किया, और प्रभारी का रोल क्या मानते हैं? धारीवाल जी सवाल खड़े करें, थोड़ा मिस हैंडलिंग हुई। देखो दिनेश जी, अजय महाकन जी के मेरे बहुत अच्छे संबंध है, धारीवाल जी तो धारीवाल जी है, धारीवाल जी हमारे भी नेता हैं। जो धारीवाल जी ने सवाल उठाए वो सोच समझ कर बोलते हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं। सीएम साहब कोई मीटिंग कॉल किया है? जवाब आने दो। हैं? और संसदीय कार्य मंत्री जी ने यदि कुछ कहा है तो उसका जवाब वो देंगे आगे। नहीं, अभी सीएम साहब ने कोई मीटिंग कॉल नहीं की है, और यदि मेरे पास सूचना आई होगी तो मुझे पता चल जाएगा। गजेंद्र सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बनाए रखने का षड्यंत्र है, और सतीश पुनिया ने भी पाखंड बताया जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। एक बात मुझे बता दो, गजेंद्र सिंह जी हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर आए, केंद्रीय मंत्री बने, और गजेंद्र सिंह जी भी सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल थे। गजेंद्र सिंह जी और सतीश पुनिया जो बीजेपी का एक भी नेता ना तो महंगाई के ऊपर बोलता है, ना अपने काम गिनाता है, ना पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बोलता है, ना खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून पर बोलता है, ना अपने डिपार्टमेंट पर बोलते हैं, क्योंकि मोदी सरकार की कोई उपलब्धि है ही नहीं, बोलेंगे कहां से। तो गजेंद्र सिंह जी को ये बताना चाहिए जिस विभाग के वो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्रालय के, उसकी एक उपलब्धि बता दे राजस्थान को। अशोक गहलोत भी जोधपुर से बेटे हैं मारवाड़ के, जो बेटे हैं मारवाड़ के वो रोज योजना देते हैं नई नई जनता के वेलफेयर की, वो भी बताया। ERCP 13 जिलों का पानी रोकने के लिए कहा काम बंद कर दो, अशोक गहलोत ने कहा 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके कहा राजस्थान के 13 जिलों की ERCP योजना गजेंद्र सिंह जी नहीं रुकेगी, एक पैसा केंद्र से नहीं चाहिए, और केंद्र नोटिस देता है राजस्थान की सरकार को बंद करो। ऐसे राजस्थान वीरों की धरती है, नोटिसों से काम नहीं रुका करते। पानी आप नहीं दोगे 13 जिलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान अशोक गहलोत जी ने कर दिया। राहुल जी को अध्यक्ष बनाना पूरा देश चाहता है, अशोक गहलोत जी चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को आप समझो, वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, उन्होंने मना कर दिया। जो आदमी खुद पैदल चल रहा है और बीजेपी का सोशल मीडिया झूठा गंदा माहौल बनाकर रोटी नहीं देते, रोजगार नहीं देते, सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को, उन्होंने ये तय कर लिया कि इस देश में महंगाई गरीबी बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए दंगे करा दो, झगड़े करा दो धर्म के नाम पर, और राहुल गांधी जी को टारगेट करो। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़ा बड़े नेता है, इनके वीडियो को तोड़ो मरोड़ो, इनके भाषण को तोड़ मरोड़ के दिखाओ। जब राहुल गांधी जी कमजोर होंगे तो कांग्रेस अपने आप कमजोर हो जाएगी, इसलिए बीजेपी जो काम कर रही है, पोल खुल रही है, लोग समझने लगे हैं। एक बात ध्यान रखना,
सच्चाई थी, अफवाह थी, क्या थी, लेकिन मेरी बात सुन लो, इस्तीफा दे दिया ने, कुछ हुआ है तभी दे दिया। अब यार ई को तो खोद खोद पूछो तो सुबह भी बेटा पूछ लेता। आप बताओ मुकेश जी, एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि राजेंद्र गुढ़ा सरकार बचाने में अपना किरदार निभा चुके, अब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा क्या हुआ कि सरकार बचाने वाले सरकार के खिलाफ हो गए, क्योंकि वो भी 34 दिन वो हमारे साथी मंत्री है, इसलिए उनकी बात का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, वो हमारे मित्र है। आप बताए, एक सवाल हाँ बोलो बोलो। यदि आप कह रहे हैं लोकतंत्र में संख्या बढ़ के आधार पर फैसला होना, ये सब कुछ हो गया, अभी भी यदि आलाकमान किसी दूसरे व्यक्ति को जिनको बाढ़ में विधायक, मुकेश जी ये कयास है, ये कयास पे जवाब नहीं दिए जाते, यदि यदि नहीं हो तब बात करेंगे। आप बताओ,